अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS 301 का प्रैक्टिकल क्विज देखेंगे। और क्विज इजी था, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्विज आ रहा है आपका, तो आप लोगों ने कोशिश करनी कि अपना कॉन्सेप्ट ज़रा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इस वीडियो में आपको तमाम तर कॉन्सेप्ट जो है वो इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी तरह से क्लियर कर दूँ, ताकि आप लोगों को अपने क्विज करने के दरमियान कोई भी प्रॉब्लम जो है उसका सामना ना करना पड़े। पहला क्विज आपका पोस्ट फिक्स से जो है वो रिलेटेड था। पोस्ट फिक्स हम किसे कहते हैं? देखें, पोस्ट फिक्स का मतलब ये होता है कि बाद में लिखा गया। दो तीन चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। अब इसका आपने रिजल्ट बताना है। वो कह रहा है कि इस पोस्ट फिक्स का आप रिजल्ट बताएं, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिमैस रूल। तो ये हो जाएगा 6 × 3 + 2। तो अब इसका मतलब होगा कि 6 × 3 = 18, और 18 के बाद जो है वो हमारे पास 2 प्लस हो, यहाँ पर 18 आ जाएगा और प्लस 2। तो देखें, 18 प्लस 2 जो है वो 20 के बराबर आ जाएगा। 20 इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। तो इसी तरह से आपके क्विज में भी अगर यही आता है तो आपने इसी तरह से करना है। ये बात याद रखिएगा कि मल्टीप्लाई का साइन हम पहले लिखते हैं और प्लस का साइन हम बाद में लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डिमास रूल। पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर सब्ट्रैक्शन या माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है विच टाइप ऑफ लिंक लिस्ट हैज़ 2 नल पॉइंटर्स। ऐसा कौन सा हमारे पास, ऐसी कौन सी लिंक लिस्ट है जिसके अंदर 2 नल पॉइंटर्स होते हैं? तो ये बात आपने याद रखनी है कि डबल लिंक लिस्ट के अंदर ये बात होती है। डबल लिंक लिस्ट में हमारे पास होता है वो नोड होता है ना, करंट नोड, वो दरमियान में होता है और हम डबल मूव कर सकते हैं। डबल हम ऐसे मूव कर सकते हैं कि एक स्टेप हम फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं और एक स्टेप हम जो है वो बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। तो देखिए, हो सकता है दोनों, अगर आपको ये नल है, जीरो है, तो यहाँ पर हमारे पास जो डबल लिंक लिस्ट है ये 2 नल पॉइंटर्स को रख सकती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज डबल लिंक लिस्ट। ठीक है, ये आपके हैंड आउट्स के अंदर भी लिखा हुआ है, होपफुली मैंने यहाँ पे इसका प्रूफ लिया हुआ था। ये देखिए, ये इसका प्रूफ है, नेक्स्ट टू नल, तो एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो ये देखिए, डबल लिंक लिस्ट जो है वो नल पॉइंटर को रख सकती है, ये इसका एविडेंस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर इकट्ठा कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन लिंक लिस्ट एड मैथड विल एड द न्यू नोड आफ्टर। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या कह रहा है आपको ये, यहाँ पर कह रहा है कि लिंक लिस्ट के अंदर हम जो ऐड मेथड होता है उसके जरिए हम अपने न्यू नोड को ऐड करते हैं। न्यू नोड को हम कहाँ पर ऐड करते हैं? करंट नोड से। करंट नोड का मतलब ये होता है कि आपका जो नेक्स्ट नोड है ना, आपको पता है आपकी जो न्यू नोड होता है, जो लिंक लिस्ट होती है, वो इस तरह से बनी होती है। अब इस लिंक लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यहाँ पे 5, फर्स्ट कर ले, मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मुझे अपना नोड ऐड करना है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप जाके 8 जो नोड है, हम नंबर को नोड कहते हैं, तो 8 को जाके आप ऐड कर दें, तो 2, 6 और 8, तो आप यहाँ पे नंबर को ऐड कर देते हैं। तो ये आपने, ये करंट नोड था। करंट का मतलब होता है कि जो आपके पास बिल्कुल लास्ट वाला नोड है, लास्ट नोड से मतलब ये कि जो करंट नोड है हमारे पास, उस नोड के बाद हम जो है वैल्यू को ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका भी मैंने जो है वो आपकी बुक से लिखा हुआ है। ये देखें, ये इसका प्रूफ है कि जब भी आप ऐड करते हैं मेथड को, तो आप करंट नोड पे, इफ़ द करंट पोजीशन इज द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, अगर हमारे पास जो करंट पोजीशन है वो स्टार्ट होगी, तो उसके बाद हम ऐड करेंगे अपने एलिमेंट्स को। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, वी वांट टू ऐड एन एलिमेंट इन द बिगनिंग। तो बिगनिंग में हम जो है वो अपने एलिमेंट को स्टार्ट करते हैं, यानी करंट पोजिशन से हम अपने एलिमेंट को स्टार्ट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर एन अरे x with 6 integer। ये आपके पास ना बेसिक फार्मूला है, ये आपके पास बेसिक एक सिंटैक्स आपसे पूछा जा रहा है, बड़ा इजी सिंटैक्स है इसका। वो कह रहा है कि आपने अरे के जो है वो इंटीजर्स की फॉर्म में अरे का सिंटैक्स लिखना है। तो आपने ये बात याद रखनी कि int, या आप CS 201 के अंदर भी पढ़ के आए हुए हैं, सबसे पहले हम अपनी डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं, फिर उसका नेम, अब इसने नाम रखा हुआ है यहाँ पे x, फिर x, फिर आगे उसका साइज कितना है, 6 इंटीजर है। तो ये देखें, ब्रैकेट्स डालेंगे आप, और ये ब्रैकेट्स इस चीज़ को शो करेगा कि ये हमारे पास अरे है। ठीक है, अरे के लिए या अरे को शो करने के लिए हम ये ब्रैकेट्स का साइन डालते हैं। तो ये जो लास्ट ऑप्शन आपके यहाँ नजर आ रहा है इंट x 6, ये इसका राइट ऑप्शन है, ये इसका सिंटैक्स एरर है। ये इसका सिंटैक्स है, एरर नहीं है ये। ठीक है, हम इसको इस तरह लिखेंगे, मैं आपके लिए जूम कर रहा हूँ, जरा इसको गौर से देख लीजिएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है, व्हाट इज़ द फॉलोइंग आउटपुट, क्या आउटपुट होगा हमारे पास? तो हमारे पास यहाँ पर दो, हम मुझे इसके ऑप्शन जो है वो ठीक लगे हैं, लेकिन मैंने जो एक ऑप्शन है वो सिंटैक्स एरर लगाया। मैं आपको इसकी वजह बता देता हूँ, या किन वजूहत की वजह से मैंने इसका एरर सिंटैक्स लगाया है। तो देखिए, आपके पास पहले इंट मेन फंक्शन है, ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पे इंट अरे 5,
अब आप वो कह रहे हैं कि आप फाइव नंबर्स की इंटीजर बनाएं, तो सी आउट करें जी अरे थ्री को। अब चूंकि हमारे पास नंबर कितना था, हमारे पास अरे तो फाइव था, अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ इस नंबर को प्रिंट करवा सकता हूँ, ऐसा मेरे पास कोई पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी मेरे पास नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अरे थ्री को आप जो है वो प्रिंट करवा दें। भाई अरे थ्री को प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पे अरे थ्री लिखें, फिर आपने यहाँ पे अरे फाइव लिखा हुआ है, तो दिस मीन्स कि ये मेरे पास सिंटैक्स एरर है, मैंने ग्रामेटिकल मसला किया हुआ है कि मैंने 30 यहाँ पे गलत लगाया है, मैंने बाद में इसको चेंज किया था, तो मैंने देखिए यहाँ पे ठीक कर दिया था जिस स्टूडेंट का मैंने अटेम्प्ट किया था, ये सिंटैक्स एरर है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपका पेपर में, अगर आपके क्विज में और या मिड टर्म के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो हमने जितने नंबर की एरर को या अरे को जनरेट किया होता है, तो उस अरे के मुताबिक ही हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो रही होती हैं, तो ये सिंटैक्स एरर होगा, कोई भी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट जो है वो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इन डबल लिंक लिस्ट के अंदर हम जो है वो ट्रावर्स करते हैं लिस्ट को बोथ डायरेक्शंस में। वही बात जो मैंने आपको पहले भी बता दी है कि हमारे पास जो डबल लिंक लिस्ट होती है ना, ये करंट नोड है। करंट नोड से मुराद ये होता है कि जो नोड मैं चाहता हूँ, अब उस नोड से हम जो है वो आगे भी मूव कर सकते हैं, हम उस नोड से पीछे भी मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब है बोथ जो डायरेक्शन होगा इज द राइट आंसर हियर। यहाँ पर जो बोथ डायरेक्शन है वो आंसर कंसिडर ठीक किया जाएगा। ये जो ट्रावर्स है ना, इसका मतलब होता है गुजरना। तो हम जो है डबल लिंक लिस्ट के अंदर दोनों डायरेक्शन से गुजर सकते हैं, हम चाहते हैं तो हम आगे भी मूवमेंट कर सकते हैं, हम चाहें तो हम पीछे भी मूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। उसके आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंसिडर अ लिस्ट। आपके पास एक लिस्ट है जिसका नेम है जनाब 28671, यानी ये लिस्ट है। और आपको पता है अगर आपने लेक्चर किसी ने अटेम्प्ट किए हुए हैं, तो हम जो लिंक लिस्ट होती है ना, उसको बनाने का तरीकेकार ये वाला होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला नोड होता है ना मेरे पास, ये हेड नोड होता है। ये आपने बात याद रखनी है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकती है, मेरे क्विज में नहीं है जो मैंने अटेम्प्ट किया, लेकिन ये आपके क्विज में आ सकता है। पहला नोड मेरे पास हेड होता है, दूसरा नोड होता है वो हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं या एलिमेंट कहते हैं। तो वो आपसे कह रहा है कि ये जो करंट नोड है, ये वाला जो 8 है ना, ये क्या होगा? तो ये लिस्ट का एलिमेंट होगा। बाकी अगर आप ऑप्शन देखेंगे ना, तो बाकी ऑप्शन कोई भी ठीक नहीं है। ऑब्जेक्ट हम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट हम किसी भी नंबर को कहते हैं, नंबर से मतलब है जिस किसी भी करेक्टर को। अब देखिए, हेड नोड मैंने आपको बताया ये 2 होता है, पॉइंटर भी ये नहीं होता, पॉइंटर हम जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो लिस्ट एलिमेंट है, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज यही ठीक होगा। ठीक है, लिस्ट एलिमेंट इज द राइट आंसर हेयर। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके मिड टर्म के हवाले से। मिड टर्म में इस तरह के एमसीक्यू ज्यादा आते हैं। पोस्ट फिक्स जो एक्सप्रेशन होता है, इन फिक्स एक्सप्रेशन में वो कैसे लिखा जाएगा? यानी आपको यहाँ पे इन फिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इन फिक्स एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन होता है? इससे मुराद ये होती है कि हमारे पास जो ऑपरेटर्स है ना, ऑपरेटर हम कहते हैं प्लस को, माइनस को, मल्टीप्लाई को या डिवीजन को। तो मेरे पास ये जो ऑपरेटर्स का साइन होगा ना, इसको मैं जो है वो इनफिक्स, अगर मैं इसको दरमियान लिखूंगा ऑपरेंड्स के बाद नंबर्स के, तो वो मेरे पास इनफिक्स एक्सप्रेशन है, जिसने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया हुआ है 1-3। तो ये आप कॉमन लिखते हैं तो ये इनफिक्स है, यानी कि इन, ये जो ऑपरेटर्स है मेरे पास ऑपरेंड्स के दरमियान में आए हुए हैं, इन आए हुए हैं, इसलिए हम इसको इनफिक्स कहते हैं। अब आपने इसको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में लिखना है, तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कैसे लिखते हैं हम इसको? हम जो ऑपरेंड्स होते हैं वो पहले लिख लेते हैं 1, 3 और 4, ये हमने ऑपरेंड्स पहले लिख लिए। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस, हम इसको बाद में लिखेंगे। अब हम इसको बाद में इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास दोनों की जो अहमियत है वो सेम है। अब माइनस आखिर में आता है ना, अगर मेरे पास पहले मल्टीप्लाई होता या प्लस होता, तो मैंने प्लस को पहले लिखना था। अब प्लस को पहले क्यों लिखा था मैंने? क्योंकि प्लस की अहमियत ज्यादा है माइनस से। तो यहाँ पे देखें, इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा 1-3-, ये 2 दफा माइनस है। मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए जूम करूंगा ताकि आपको मजीद अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवाया जा सके। तो ये देखिए, ये 2 दफा माइनस है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये वाला होगा कि हमारे पास जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है इस नंबर की, वो 1-3-4- हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट बस आपने, अब कोई भी नंबर होगा, बस आपने अपने पेपर में इसी कॉन्सेप्ट के को जो है वो देखते हुए अपना जो काम है वो करना है। उसके आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू नेविगेट फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड इन द लिंक लिस्ट। तो इसका मेरे नॉलेज के मुताबिक, लेकिन मुझे ये कन्फर्म नहीं है, अगर आप लोगों में से किसी बंदे को भी कन्फर्म है तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू नेविगेट करना एक नोड से दूसरे नोड में, वो हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नोड ही लिखेंगे। वैसे इसके चारों ऑप्शन देख लीजिए, एक ऑब्जेक्ट नोड है, एक नल पॉइंटर है, एक नन ऑफ द गिवन है और एक नेक्स्ट पार्ट है। वैसे ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता, नल भी नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नोट जो का इसका राइट आंसर यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो मैंने नेक्स्ट लगाया, तो आप लोगों में से अगर जिस बंदे को ये ठीक लगता है तो काइंडली मुझे ये बता दें कि क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है। अगर ये ठीक नहीं है, कोई दूसरा अगर इसका ऑप्शन है, तो आप दूसरे स्टूडेंट्स के लिए कमेंट्स में जरूर मैंशन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास एक जो है वो प्रोग्राम ही है, और उस प्रोग्राम में आपने बताना है जी आउटपुट। वो कह रहे हैं कि क्या हमारे पास वैल्यू आएगी सेकंड अरे की। यहाँ पे 2 अरे इस्तेमाल की गई हैं, ये देखें इंट एक्स थ्री, ये आपको मैंने अभी जो है वो पीछे एक एमसीक्यू दिया था ना कि अरे को लिखने का तरीके का क्या होता है, तो ये वो वाला जो सिंटैक्स आपको बताया हुआ है।
और दूसरा यहाँ पे देखिए ये है। अब कहने का मकसद यहाँ पे ये यह है कि दो अरे है मेरे पास, लेकिन मेरे पास स्क्रीनशॉट एक का है, तो मैं आपको होपफुली मैंने शायद आगे दूसरा लिया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ आगे वीडियो में जाके। यहाँ पर आपने करना ये कि आपने इसका आउटपुट बताना है। पहली अरे या पहला जो हमारे पास सिंटैक्स है अरे का वो है जी x इक्वल टू 3, जो x है वो 3 के बराबर है। और दूसरी दफा आप कह रहे हैं फोर लूप लगा के कि जो जे है वो 0 के बराबर है और ये जो है वो 3 तक जा रहा है और उसके अंदर इंक्रीज करो। लेकिन आपने नेक्स्ट अरे में कह दिया कि 2 मल्टीप्लाई बाय जे, जो 2 है वो जे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए आपने कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं लगाई है, कंडीशन लगाने से मुराद ये है कि आप यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि आप इसको इंक्रीज करें या आप इसको डिक्रीज करें, सिर्फ आप यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपने इसको इंक्रीज करना है, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कितना इंक्रीज करना है। वैसे इसका मतलब होता है 1 के साथ आप इसको इंक्रीज करें, तो यहाँ पर जो मेरे अकॉर्डिंग होगा इसका ऑप्शन डेट इज कॉल्ड 0, क्योंकि जो जे है वो 0 के बराबर है, उसके आगे वो कंडीशन लगा रहा है कि आपने इसको 3 तक लेके जाना है। तो तीसरी कंडीशन तक हमारे पास जवाब जो होगा वो 2 या 1 या 4 नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज कॉल्ड 0। उसके आगे देखिए इन स्टैक, स्टैक के अंदर विच नोड विल बी कंसीडर्ड एज द टॉप ऑफ द स्टैक, हमारे पास कौन सा जो नोड होता है वो टॉप ऑफ द स्टैक कंसीडर किया जाता है। तो स्टैक आपको पता है एक लीफो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्टैक एक लीफो स्ट्रक्चर है। तो ये बाय मिस्टेक मुझसे गलत लग गया है। स्टैक के अंदर जो पहला नोड होता है ना हमारे पास, जो टॉप ऑफ द स्टैक होता है वो लास्ट नोड होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे पास क्वेश्चन का आंसर गलत लगा दिया है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज द लास्ट नोड, चूंकि हम ये लीफो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करेंगे। लीफो का मतलब ये होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया था वो सबसे पहले जाएगा। तो आपका जो सबसे टॉप वाला एलिमेंट होगा ना वो वही होगा जो आपने सबसे आखिर में रखा होगा, तो लास्ट नोड होगा इसका राइट आंसर, यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफिक्स एक्सप्रेशन। अब आपने इनफिक्स एक्सप्रेशन के बारे में बताना है। मैंने आपको बताया था इनफिक्स एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि दरमियान में लिखी हुई चीज़, ये प्री फिक्स है। प्री का मतलब यहाँ पर ऑपरेटर हमारे पास पहले इस्तेमाल हुआ है, ये पोस्ट फिक्स है। पोस्ट का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे ऑपरेटर को बाद में इस्तेमाल किया हुआ है। ये देखें ये इनफिक्स है, जो आम हम जो मैथमेटिक्स के जो नंबर्स को लिखते हैं प्लस माइनस का, उसको हम इनफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये वाला यहाँ पर आंसर होगा इनफिक्स एक्सप्रेशन का, 1 + 2 × 3 + 4, तो ये इसका आंसर यहाँ पर करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट आपको बता रहा है हाउ मेनी टाइम, कितनी दफ़ा जो है ये लूप चलेगी अगर हम इसको सर्च करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखिए अब आपने सर्च क्या करना है जी, आपने सर्च करना है वैल्यू 10 को। तो अब ये जो लूप हमारी चलेगी ना, या हम जो सर्च करेंगे वो निचले वाले पार्ट में करेंगे, इस वाले पार्ट में। तो देखिए यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 और 5 है। हमने सर्च क्या करना है वैल्यू, टू फाइंड द वैल्यू 10। आपने 10 वैल्यू को जो है वो फाइंड करना है। अब हमारा एल्गोरिथम कैसे काम करता है या हमारा डेटा स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा, वो पहले देखेगा 1 को, 1 मैच नहीं किया 10 से तो नहीं चलाएगा, आगे मूव करेगा। फिर 2 को देखेगा, 2 नहीं चलेगा यानी 2 मैच नहीं हुआ। फिर 3 देखेगा, 3 मैच नहीं होगा। फिर 4 देखेगा, 4 भी मैच नहीं है। फिर 5 देखेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ हमारे पास 5 दफ़ा लूप चलेगी। तो 5 दफ़ा लूप चलने के बाद वो बताएगा कि आपका जो नंबर है वो हमारे लूप में है ही नहीं, वो हमारे डेटा स्ट्रक्चर में मौजूद ही नहीं है, या वो हमारी स्टैक लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, आप इसको जो है वो देखें कोई ना कोई एरर आ रहा है। तो कहने का मकसद है कि सिर्फ आपको उसने यहाँ पूछा होगा कि कितने दफ़ा मेरी लूप यहाँ पे चलेगी। तो 5 दफ़ा हमारी लूप यहाँ पे रन करेगी, एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद हमें हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो दे देगा। आखिरी क्वेश्चन देखिए, रिमूविंग एन एलिमेंट्स, अगर आपने एलिमेंट्स को रिमूव करना है एंड ऑफ द स्टैक से, तो यूजिंग अ लिंक लिस्ट टेक्स डैश टाइम देन रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट। तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, ये भी मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसका जवाब इक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा, मोर होगा। मैंने ये भी आंसर जो है वो बाद में मोर लगा दिया था, लेकिन इसका मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ। तो ये दो क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं था, इसका जवाब वैसे मोर होगा आपके हैंडआउट्स के मुताबिक। मैंने पढ़ा भी है, सर्च भी किया है इसके मुताबिक। तो वो कह रहा था जो आपके लेक्चरार है, उन्होंने कहा था कि अगर आप स्टार्ट से एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, अगर आप बैक एलिमेंट को रिमूव करते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर होगा वो आप यहाँ पे मोर लगा सकते हैं, आप मोर लगाइएगा अगर आप में ये क्वेश्चन आता है। तो इक्वल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक या जहाँ तक मेरा अपना डेटा स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज है और आपके हैंडआउट्स के मुताबिक, यहाँ पर मोर आंसर जो है वो सूटेबल रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपका क्विज था, 15 क्वेश्चन थे, होपफुली आपको समझ आ चुके होंगे। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी कोई मिस्टेक है तो काइंडली कमेंट्स बॉक्स में दूसरे स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर मेंशन कर दें, ताकि तमाम तर बाकी स्टूडेंट्स का फायदा जो है वो हो सके। बाकी मेरा जो वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन का ग्रुप 3 है, मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखिएगा या उसमें ज़रूर आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत सारा फायदा आपका मेरे ग्रुप से होता रहता है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।